पंकज जरा मुझे ये प्रक्रिया समझाइए, डिप्टी सीएम है, कोई आम नागरिक नहीं, उनकी गिरफ्तारी का आगे ये प्रक्रिया क्या होती है, कुछ अलग प्रक्रिया? देखिए, क्योंकि वो मंत्री हैं और दिल्ली सरकार में काफी अहम विभाग संभाल रहे हैं, तो पिछली बार आपने देखा होगा उन्होंने छूट मांगी थी सीबीआई जांच से, जो उनको एक हफ्ते के लिए मिल भी गई थी, क्योंकि सीबीआई ने महज 24 घंटे पहले उनको पूछताछ के लिए समन भेजा था। जाहिर है जो सबसे ज्यादा असर फिलहाल होगा अर्पिता दिल्ली सरकार के कामकाज में, उसमें सबसे ऊपर जो बात है वो है दिल्ली के बजट की। मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट आना है और मनीष सिसोदिया अब गिरफ्तार हो चुके हैं सीबीआई द्वारा, तो वो बजट कौन पढ़ेगा, बजट को आखिरी रूप कौन देगा, उसमें आगे क्या कुछ सुधार करना है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अब एक बड़ा सवाल उभर कर आ गया है आम आदमी पार्टी सरकार के सामने। अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो आगे की प्रक्रिया जाहिर है यही होगी कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत अपनी झोंक सकती है। सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है, क्योंकि सतीन जैन के मामले में आपने देखा होगा कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी ने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का रुख किया था, और अब आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने तमाम जो एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, उनसे चर्चा कर रही होगी और सुबह से चर्चा कर भी चुकी होगी, तो देखना यह होगा कि अगली क्या रणनीति रहती है आम आदमी पार्टी की। लेकिन इस बीच अर्पिता एक खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ हलचल शुरू हो गई है, अंदर जो लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी खबर आने के बाद से ही सक्रिय होते नजर आए हैं, और जानकारी ये मिली कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे और हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। अर्पिता ठीक है, आप रहिए जरा साथ, अरविंद भी हमारे साथ। अरविंद, आपके पास कोई ताजा अपडेट हो, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है उसके बारे में जानकारी हो जरा आप, क्योंकि सीबीआई मुख्यालय के बाहर है, वहां पर कोई हलचल आप देख पा रहे हैं तेज हुई है गिरफ्तारी के बाद? नहीं, देखिए जो हलचल कोई तेज नहीं हुई है, मैं तस्वीर आपको जरूर दिखा दूं कि इस तरीके की बैरिकेटिंग सुबह से यहां पर लगी हुई थी अर्पिता, और सुबह के वक्त मैं खुद यहां पर मौजूद था 11:30 बजे जब मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे थे। नर्वस जरूर लग रहे थे क्योंकि सुबह के वक्त जिस तरीके से चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया ये मानकर चल रहे थे कि आज उन्हें जेल जाना होगा। जेल जो सीबीआई के सूत्र है उन्होंने बकायदा इस बात की जानकारी दी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी कुछ घंटों के आसपास जो है हमें जो जानकारी मिली है, सीबीआई की एक ऑफिशियल रिलीज भी आएगी मनीष सिसोदिया को लेकर कि आखिर क्या क्या चार्जेस है, किन आरोपों में, किन एविडेंस के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम, जैसा कि आशंका सुबह से ही आम आदमी पार्टी लगा रही थी, अलग अलग बयान आ रहे थे, आखिरकार सीबीआई की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। आगे की प्रक्रिया यही होगी कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, माफ करिएगा, कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई की टीम।